हेलो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि हमें ये बताना है कि दो पॉलिनोमियल हमें गिवन होंगी, एक पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर ऑलवेज छोटा होता है, ठीक है, बड़े का वो पार्ट है या नहीं। जैसे 8 का फैक्टर क्या है, 2 और 4, ये जो है फैक्टर है, इसके फैक्टर हैं 8 के, मतलब 2 भी 8 को डिवाइड कर रहा है और 4 भी 8 को डिवाइड कर रहा है। जो टर्म्स इसको डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर होते हैं। सेम टाइप से जैसे मान लिया कोई पॉलिनोमियल px है, इस px पॉलिनोमियल को जो भी डिवाइड करेगा, gx या ax जो भी पॉलिनोमियल होंगी वो इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर हमें बताना है, पहले हम डिवाइड करके देखते हैं। अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट डिवाइड का मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, इसमें दे रखा है 2t की पावर 4 प्लस में 3t क्यूब, 2t की पावर 4 प्लस में 3t क्यूब, उससे आगे हैं माइनस का 2t स्क्वेयर, माइनस का 9t, माइनस में 12, माइनस का 2t स्क्वेयर, माइनस का 9t, माइनस का 12। ये जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करना है हमें t स्क्वेयर माइनस 3, इससे डिवाइड करना है इसको, अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो रही है नहीं। अब चेक करते हैं। अब देखो पहले वेरिएबल की बात करते हैं, यहाँ पे t की पावर कितनी है 4, यहाँ पे t की पावर कितनी है 2, कितनी कम है 2 कम है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे t स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, हमें चाहिए 2, तो 1 की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगी, 2 के साथ, 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ और फिर इसके साथ, 2t स्क्वेयर की t स्क्वेयर के साथ, ये हो गया 2t की पावर 4। उसके बाद ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस आ जाएगी बीच में, 2 की 3 के साथ ये हो गया माइनस का 6t स्क्वेयर, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस। हम पावर देखते हैं, जो भी सेम पावर के नीचे सेम एलिमेंट देखते हैं, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, 3t क्यूब एज इट इज, प्लस के 6 है माइनस के 2 है, कितने बच गए, प्लस के 4t स्क्वेयर बच गई। उसके बाद आगे माइनस का 9t, माइनस में 12, ये एज इट इज। अब यहाँ पे पावर कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 2, करो कितनी पावर कम है, 1 पावर कम है, तो ये आ गया टीआर, ये प्लस है ये प्लस है, तो वहां पे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करें, 3 आ जाए, 3 के साथ ये आ गया 3, तो इसके साथ मल्टीप्लाई की तो आ गया 3t क्यूब। अब ये प्लस का है लेकिन यहाँ पे ये माइनस का है, 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 9t, ये माइनस ये प्लस सेम है कैंसिल आउट हो गए, ये भी सेम है कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या 4t स्क्वेयर माइनस का 12, ये बच गया। अब यहां पे t स्क्वेयर है, यहां पे t स्क्वेयर है, मतलब वहां पे t की टर्म तो आएगी नहीं, यहां पे 1 है यहां पे 4 है, तो मुझे क्या चाहिए 4 प्लस में 4 आ गया 4t स्क्वेयर, 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 12, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर क्या बच गया 0। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, दिस इंप्लाइज टी स्क्वेयर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2t की पावर 4 प्लस में 3t क्यूब माइनस का 2t स्क्वेयर माइनस का 9t माइनस का 12, या
ठीक है। तो सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड का सेकंड पार्ट अब हम करेंगे। इसमें भी हमें डिग्री फोर की दे रखी है दो इक्वेशंस, दो पॉलिनोमियल्स, उनको डिवाइड करना है। इसको इरेज कर दें। तो इससे आगे है सेकेंड पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट में पॉलिनोमियल है 3x की पावर 4 प्लस में 5x³। 3x की पावर 4 प्लस में 5x³। उसके बाद माइनस 7x² प्लस में 2x+2। 7x² प्लस में 2x प्लस में 2, ये है। इसको डिवाइड करना हमें x² प्लस में 3x+1 से। x² प्लस में 3x+1 इसको डिवाइड करना इससे। सिंपल भाई, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना आ गया 3। एक्स की पावर 4 है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, तो कितना आ गया x² 3x² की x² के साथ 3x की पावर 4, 3x² की 3x के साथ प्लस में 9x³, 3x² की 1 के साथ प्लस में 3x², ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो गए। माइनस के 9 है, प्लस के 5 है, कितने बच गए माइनस का 4x³। माइनस के 3 है, माइनस के 7 है, कितने हो गए माइनस का 10x² प्लस में 2x प्लस में 2, ये हो गया। अब यहां पे माइनस का 4 है, यहां पे क्या है 1, किसके साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस 4 के साथ। यहां पे x की पावर 3 है, यहां पे कितनी है 2, 1 पावर कम है, तो कितना आ गया माइनस का 4x। माइनस 4x की मल्टीप्लाई की माइनस 4x³, उसके बाद 3 के साथ की तो माइनस का 12x², 1 के साथ की तो माइनस का 4x। इसके बाद साइन चेंज, ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट। प्लस के 12 है, माइनस के 10 है, कितने बच गए 2x², प्लस के 4 है, प्लस के 2 है, हो गए 6x प्लस में 2। यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो कितना आएगा 2। यहां x² है, ये भी x² है, सेम है, तो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ 2x², 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस में 6x प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना आ गया 2। साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। दिस इंप्लाइज x² प्लस में 3x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 3x की पावर 4 प्लस में 5x³ माइनस में 7x² प्लस में 2x प्लस में 2। तो किस नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसमें डिवाइड करना था। इसका थर्ड पार्ट, इसको डिवाइड करना, इरेज कर रहे हैं। इसमें दे रखा है x की पावर 5। नेक्स्ट है इसका किस नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। एक्स की पावर 5 है, माइनस में 4x³ प्लस में x² प्लस में 3x प्लस 1, माइनस 4x³ प्लस में x² प्लस में 2x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल दे रखी है।
इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस 1, यहां पे 3 है, एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस 1, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इससे डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, एक्स की पावर 4 माइनस, सॉरी एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इससे, क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये ऑर्डर में नहीं है, यहां पे 5 पावर 4 है, 4 5 है, 5 के बाद पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, एक पावर मिसिंग है, उसको लिख लेंगे हम पहले, x की पावर 5 प्लस में 0x की पावर 4 माइनस में 4x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, इसको डिवाइड करना x क्यूब माइनस में 3x प्लस 1, देखो यहां पे x की पावर 5 है, यहां पे कितनी है, 3 है, 2 ज्यादा है, x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x क्यूब के साथ x की पावर 5, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना आ गया माइनस का 3x क्यूब, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस में x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये एज इट इज 0x की पावर 4 प्लस के 3 है माइनस का 1 माइनस के 4 है तो बच गया माइनस का x क्यूब, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट में बच गया प्लस का 3x प्लस में 1, ये बच गया, अब मेरे पास 0x की पावर 4 है तो 0 के साथ जो वेरिएबल है उसकी कोई इंपोर्टेंस नहीं है, इसको वैसे हटा दो, हटा दिया, ठीक है, तो अब इससे आगे यहां पे x क्यूब है, ये भी x क्यूब है, ठीक है, लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या किया यहां पे माइनस 1 आ माइनस की इसके साथ माइनस का x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 1, साइन चेंज, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, रिमाइंडर क्या आना चाहिए था 0, लेकिन इसमें क्या हो गया 2, इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर नहीं है, दिस इंप्लाइज x क्यूब माइनस में 3x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x की पावर 5 माइनस में 4x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट हो गया, इतना ही था क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पॉलिनोमियल दे रखी है, जो पॉलिनोमियल है क्वेश्चन नंबर 4 में वो 4 डिग्री में है और उसके 2 जीरोज हमें दे रखे हैं, 2 हमें फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 3, दो जीरोज हमें दे रखी है, x इक्वल है माइनस में अंडर रूट 5 अपॉन में 3 और एक है 5 अपॉन में 3, ये दो जीरोज दे रखी है, पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है 3x की पावर 4 प्लस में 6x क्यूब 3x की पावर 4 प्लस में 6x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 5 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 5 ये पॉलिनोमियल दे रखी है तो x की दो वैल्यूज हैं मेरे पास x इक्वल टू माइनस का 5 बाई 3 अंडर रूट में और प्लस का 5 बाई 3
तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये माइनस का उस साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा एक्स माइनस में, प्लस में अंडर रूट फाइव बाई थ्री इक्वल टू जीरो, और यहां से मेरे पास क्या आ गया एक्स माइनस में अंडर रूट फाइव बाई थ्री इक्वल टू जीरो। दो वैल्यूज आ गए, दोनों की मल्टीप्लाई की मैंने तो मेरे पास आ गया एक्स प्लस में अंडर रूट फाइव बाई थ्री, एक्स माइनस में अंडर रूट फाइव बाई थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी लगी एक्स के माइनस में फाइव अपॉन में थ्री इक्वल टू जीरो। दोनों को एलसीएम लेके सोल्व किया तो एलसीएम आ गया थ्री, ये हो गया थ्री एक्स के माइनस में फाइव इक्वल टू जीरो, थ्री डिवाइड में उस साइड में जाकर मल्टीप्लाई में हो गया तो थ्री एक्स स्क्वायर क्या आ गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ये पॉलिनोमियल आ गई, इस पॉलिनोमियल से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना उसके और दो फैक्टर निकालेंगे। तो ये पॉलिनोमियल होगी मेरे पास 3x की पावर 4 प्लस में 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस 5 डिवाइड करना इसको 3x स्क्वायर माइनस 5। यहां पे भी 3 है ये भी 3 है, सेम बात है। x की पावर 4 है, x की पावर 2 है, x स्क्वायर पे गए x स्क्वायर के साथ 3x की पावर 4, x स्क्वायर की 5 के साथ माइनस का 5x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, 6x क्यूब एज इट इज प्लस के 5 है माइनस के 2 है, कितने बच गए प्लस के 3x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस का 5। यहाँ पे 6 है यहाँ पे 3 है, 3 की किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी 6 आ जाए 2 के साथ प्लस में 2, यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, एक पावर भी कम है, मैंने लिख दिया 2x, 2x की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर के साथ 3x क्यूब हाँ 6x क्यूब 5 के साथ माइनस का 10x, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया ये भी कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 3x स्क्वायर माइनस में 5। ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है तो किस पे जाएगा 1 पे प्लस 1, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस में 5 माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया 0 आ गया रिमाइंडर, 0 ही आना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन है और इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा इसका मतलब या तो आपकी इस डिवाइड में मिस्टेक है या फिर यहाँ पे मिस्टेक है, या इसकी बाकी दो जीरोस फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया टू फाइंड अदर टू जीरोस, जो एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स प्लस वन ना जिसको जीरो की को पुट कर दिया, फैक्टराइज करेंगे ऐसे दो नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करो तो वन आए एड करो तो टू आए, वन इंटू वन ये हो गया एक्स के प्लस में एक्स प्लस वन, इन दो में से कॉमन आ जाएगा, इन दो में से क्या हो गया एक्स, ये बच गया एक्स प्लस वन, इसमें से वन कॉमन आ गया एक्स प्लस वन, कंप्लीट में से एक्स प्लस वन कॉमन आ गया, मेरे पास बच गया एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब एक बार ये जीरो के इक्वल दी, एक बार ये जीरो के इक्वल, जब एक्स प्लस वन जीरो के इक्वल पुट किया तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन, यहां से भी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन, दो जीरो हमें दे रखी थी एक दो, दो हमें निकालनी थी वे आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि कोई पॉलिनोमियल है उसको किसी पॉलिनोमियल ने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया क्वेश्चन आ गया, तो हमें वो पॉलिनोमियल निकालनी है कि जिससे वो डिवाइड किया था,
जाएं तो क्या है कि एक ऐसी पॉलिनोमियल था ये जिसको हमने इससे डिवाइड किया, ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ गया, रिमाइंडर ये आ गया। अब हमें उल्टा दे रखा है, ये नहीं बताया, ये बता दिया ये और ये। अब बोल दिया कि ये बताओ क्या होगा डिवाइजर, ये फाइंड करना है। उसके लिए एक रूल है, चैप्टर फर्स्ट में आपने किया था, जब हम बी को या ए को डिवाइड करते हैं बी सी, तो यहां पे क्यों क्वेश्चन आता है और रिमाइंडर आता है। तो ए को हम क्या लिखते हैं, बी क्यू प्लस में आर। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, बी की, इस बी की। तो क्या करेंगे, आर प्लस में इस साइड में आ गए माइनस का, कितना हो गया बी क्यू, क्यू मल्टीप्लाई में इस साइड में आ गए डिवाइड में, ये माइनस आर डिवाइड में क्यू। तो मेरे पास इस टाइप से बी की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसी फॉर्मेट में आपको ए बी सी ए बी क्यू और आर की वैल्यू बता रहा हूं क्या क्या है। क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में टू बाई पॉलिनोमियल जी एक्स, द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर वर एक्स माइनस टू एंड माइनस का टू एक्स प्लस फोर रिस्पेक्टिवली, फाइंड जी एक्स। इसमें जो ए है, ए की वैल्यू मुझे दे रखी है एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में टू, ये ए की वैल्यू है। बी को इसने जी एक्स बोला है, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद जो क्यू है, क्यू क्वोशेंट, उसकी वैल्यू दी है एक्स माइनस टू, क्यू की वैल्यू है एक्स माइनस में टू, और जो आर है उसकी वैल्यू दी है माइनस का टू एक्स प्लस में फोर, आर की वैल्यू है माइनस का टू एक्स प्लस में फोर। ये वैल्यूज हमें इस फॉर्मेट में पुट करनी है। तो मेरे पास बी आ जाएगा जी एक्स, जी एक्स क्या आ जाएगा ए माइनस में आर, ए की वैल्यू ये रही एक्स क्यूब माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में टू। ये जो ए की वैल्यू है ये हमने देखती इस रिलेशन से, इसमें से माइनस करना आर को, आर की वैल्यू कितनी है माइनस का टू एक्स प्लस में फोर, माइनस में माइनस का टू एक्स प्लस में फोर, अब इसके डिवाइड में कौन है, डिवाइड में है क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस का टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। तो इसको आगे सोल्व किया, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में टू, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस डिवाइड में एक्स माइनस का टू, ये हो गया। तो अब आ गया मेरे पास एक्स क्यूब माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स है प्लस के टू एक्स है, कितने हो गए थ्री एक्स, माइनस के फोर है प्लस के टू है, इन दोनों में से बच गया मेरे पास माइनस का टू, और इसको डिवाइड करना है किससे, एक्स माइनस टू से, तो हमने लिखा इसको ऐसे एक्स माइनस टू, वही सिंपल डिवाइड अप करनी है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर पे गया, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस में टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, माइनस का थ्री एक्स है प्लस का टू एक्स है, तो क्या बच गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स माइनस का टू। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो किस पे आएगा माइनस पे, एक्स स्क्वायर है एक्स है, ये आ गया माइनस का एक्स, माइनस एक्स की एक्स के साथ माइनस का एक्स स्क्वायर,
माइनस एक्स की टू के साथ प्लस का टू एक्स, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए। अब प्लस के थ्री है, थ्री में से टू गए तो कितने बच गए, एक्स माइनस में टू एडिटी। ये दोनों सेम है, सेम है तो किस पे जाएगा, वन पे जाएगा। ये हो गया एक्स माइनस में टू, माइनस प्लस कैंसिल आउट, जीरो बच गया। तो जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये आ गई एक्स के माइनस में एक्स प्लस में वन। जी एक्स आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में वन। तो इस टाइप से ये जो आपकी एक्सरसाइज थी 2.3 ये कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।